दोस्तों, क्या आपके शरीर में कैल्शियम की कमी बहुत ज्यादा हो चुकी है? क्या आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है या शरीर के किसी किसी हिस्से में दर्द होता ही रहता है? आप उसके लिए पेन किलर खा रहे हैं? ध्यान रखिए, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। कैसे हैं दोस्तों आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। दोस्तों, क्या आप भी पेन किलर ले रहे हैं, दर्द को दूर करने के लिए दवाई खा रहे हैं? तो मैं अपने व्यूवर से और सब्सक्राइबर से ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरी ये 5 से 6 मिनट की वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आप सबके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। आज मैं आपको ऐसी औषधि के बारे में बताने वाली हूँ जो कि शरीर का ऐसा कोई दर्द नहीं है जिसे ये दूर नहीं कर सकती। तो सबसे पहले मैं उस चीज का नाम बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो। वो चीज है दोस्तों जायफल। जायफल का इस्तेमाल आप किस तरीके से कर रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि जो तरीका आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उस तरीके से अगर आपने 1 महीना सेवन कर लिया तो आपके शरीर का कोई भी दर्द रुकने वाला नहीं है, यानी शरीर से बाहर हो जाएगा। जायफल के अंदर कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम बहुत है, यानी कि खूब भरा पड़ा है इसके अंदर। इसके अलावा फास्फोरस है, पोटेशियम है, पोटेशियम हमारे दिल को स्वस्थ रखता है, सोडियम है, जिंक है, विटामिन B6 है। दोस्तों, ये सभी चीजें जायफल के अंदर पाई जाती है और इसकी खासियत ये है कि ये मार्केट में बहुत सस्ता मिल जाता है और इसका सेवन भी आप एक दिन में सिर्फ एक चुटकी ही करना है। पर कैसे करना है दोस्तों? अगर आपके घुटनों में, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, आपको गठिया की शिकायत हो चुकी है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, ये जायफल एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरा हुआ है। दोस्तों, आपने 1 गिलास दूध लेना है। उस दूध को उबाला आने के लिए गैस पर रख दीजिए। दोस्तों, इसके अंदर सिर्फ 1 चुटकी जायफल का पाउडर डालकर इस दूध को उबाला दीजिए। ध्यान रखिए, कभी भी कच्चा जायफल नहीं खाया जाता। कच्चा जायफल जो है वो तकलीफ देता है, नुकसान करता है। आपने इस दूध को उबाला जरूर दिलाना है, फिर आपने इसका सेवन करना है। दोस्तों, ये जायफल वाला दूध अगर आप रोजाना पी लेते हैं 1 महीने के लिए, तो पुराने से पुराने गठिया हो, कंधे में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि जायफल के अंदर ऐसी क्वालिटी है कि इसमें कैल्शियम भी भरा पड़ा है और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी मौजूद है, यानी सूजन रोधी गुण भी मौजूद है। तो ये आपके गठिया की समस्या को बॉडी से बाहर करने के लिए बहुत आवश्यक है। इसका सेवन सिर्फ आपने 1 चुटकी करना है, दिन में 1 बार ही करना है, उबाल कर ही कीजिएगा। दोस्तों, और किस तरीके से सेवन किया जाता है, किस तकलीफ के अंदर ये फायदेमंद है, इसके अलावा दोस्तों, अगर आप जायफल वाला दूध रोजाना पीते हैं तो ये पेट की बदहजमी को दूर कर देता है। कुछ लोगों को खाना खाया हुआ हजम ही नहीं होता, खाना बाहर की तरफ आता है। अगर आप जायफल वाला दूध इस तरीके से ही बनाकर रोजाना पीते हैं तो ये आपके पाचन क्रिया को बहुत तेज कर देगा। दोस्तों, इसके अलावा ये नींद लाने में सहायक है। रात को पीकर सो जाइए, अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती तो पहले ही दिन से बहुत अच्छे से आराम से नींद आने लगेगी, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेस को दूर करने वाले एंटी स्ट्रेस गुण भी मौजूद है, यानी कि ये स्ट्रेस को दूर करते हैं, तनाव को दूर करते हैं और माइंड को रिलैक्स करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि उनके फेस पर चमक नहीं है, ग्लो नहीं है, उनको बहुत ज्यादा मेकअप करना पड़ता है अपने फेस पर ग्लो लाने के लिए, चमक लाने के लिए। तो आपको एक चीज बता देती हूँ, जैसे एलोवेरा है ना, फेस पर ग्लो लाता है, लेकिन कुछ लोगों के एलोवेरा सूट नहीं करता, खारिश करने लगता है। आप इस तरीके से जायफल वाला दूध बनाकर सेवन करने लग जाइए, फेस पर नेचुरल ग्लो आने लगेगा, क्योंकि ये हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को भी बॉडी से रिमूव करने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। तो सब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसको, जायफल को लेने का दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि कुछ लोग ये कहेंगे कि हमें दूध सूट नहीं करता या हम दूध पीते नहीं है, दूध से कुछ लोगों को एलर्जी है। तो आपने क्या करना है, जायफल लेना है, उसे आपने जो तवा होता है ना, तवा गर्म कर लीजिए, पूरा गर्म करिए और उस तवे को बंद कर दीजिए जिसपे अपने चपाती बनाते हैं। जायफल को रख लीजिए, कटोरी से ढक दीजिए जायफल को। 5 से 7 मिनट के बाद जब आप जायफल को देखिए तो वो काला हो चुका होगा, और जैसे जायफल बहुत हार्ड होता है ना, तो आप इसे थोड़ी सी ठोकर मारेंगे ना उस जायफल को, जो काला हुआ जायफल है, तो बहुत आराम से टूट जाएगा। और अगर आप इसे भारी चीज से पाउडर बनाना चाहेंगे तो बहुत आराम से इसका पाउडर भी बन जाएगा। तो आप 1 जायफल का पाउडर बना लीजिए। दोस्तों, इस 1 जायफल के पाउडर में से सिर्फ 1 चुटकी आपने 1 चम्मच शहद के अंदर मिक्स करके ले लेनी है। ये खांसी की समस्या, सर्दी की समस्या को भी दूर करता है और ये गठिया की समस्या को भी बॉडी से दूर करता है।
लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो आपने शहद के साथ इसका सेवन नहीं करना। दोस्तों, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यही तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।